हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं पाठ एक दो दीप नामक कविता के विषय में पढ़ेंगे। इसके कवि लाला जगदलपुरी जी हैं और वो इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं ये हम देखेंगे। बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है, और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। बच्चों, कवि यहाँ बता रहे हैं कि बिना तेल का और बिना बाती का, मतलब जिसमें तेल भी नहीं हो और बाती भी ना हो, और ऐसा दिया जो दिन भर जलता है, और दीप जलने से पहले, यानी जो दूसरा दिया जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो किसके लिए बताना चाह रहे हैं कि वो बिना बिना तेल के, बिना बाती के, और पूरा दिन जलता है, और शाम ढलते ही जब तक और दीप जले पश्चिम में जाकर ढल जाता है, यानी अस्त हो जाता है। नवमंडल का सूरज है वह, कण कण को उज्जवल करता है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। तो स्पष्ट हो चुका होगा आपको कि वो कौन है जो बिना तेल का, बिना बाती के और दिन भर जलता है। कौन? सूरज, जो कि हमारे नवमंडल में रहता है, नवमंडल में होता है, और वहीं से पूरे हमारे कण कण को, हर जगह को वो प्रकाशित करता है, उज्ज्वल करता है, और नवमंडल से ही अपनी किरणों के द्वारा वो पूरे संसार को, हमारी हर जगह को उज्ज्वल करता है, रोशन करता है, प्रकाशित करता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर, और वह ऊंच नीच का भेद बिल्कुल मिटाकर, बच्चों जो सूरज होता है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे यहाँ कम रोशनी देनी है, मुझे यहाँ अपनी रोशनी कम फैलानी है, या यहाँ पे ज्यादा फैलानी है, यानी कि वो कोई भी भेदभाव नहीं करता, और पूरे संसार का अंधकार हरता है, यानी अंधकार को दूर कर देता है और रोशनी फैलाता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है, उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। और सूरज अपनी चमकीली किरणों से नित प्रति नया सवेरा लाता है, एक नई सुबह हमारी हो जाती है प्रतिदिन। और उसकी जो चमकीली किरणें हैं बच्चों, उसकी अब वो अपनी किरणों से हमारे तन मन, मतलब हमारी, यानी पूरे जीवन का उससे हमारा नाता है, यानी हम सूरज के बिना नहीं रह सकते, तो सूरज से हमारा तन मन का ही नाता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते, किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। बच्चों, जो कमल हैं वो तालाबों में हंसते हैं, यानी खिलते हैं, यानी तालाबों में बड़े खुश नजर आते हैं, मन में फूले नहीं समाते, यानी बहुत खुश होते हैं। किरणों से नव जीवन पाकर, वो किरणों से नया जीवन पाकर, जब सुबह की किरणें होती हैं तो वो किरणों से एक नया जीवन पाते हैं, और उसमें फिर पंछी भी नाच नाच कर गाते हैं। किरणों से नया जीवन पाकर पंछी भी नाच नाच कर गाते हैं, और जो तालाबों में कमल खिलते हैं, और वो बहुत ही हंसते हैं, गाते हैं, और बहुत खुश हो जाते हैं। एक दीप जलता है ऐसा। अब देखिए, यहाँ तक कवि ने सूर्य के प्रकाश के बारे में बताया है कि सूर्य का प्रकाश होता है जब हमारे जीवन में कैसा कुछ होता है,
कहाँ पर कमल को यानी फूलों को, पंछियों को, हमारे तन मन को, मतलब उनका क्या नाता है। अब यहाँ देखेंगे हम, एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक हैं, नतमस्तक हैं, ढलता सूरज भी नील गगन में। बच्चों एक दीप, और अब तक कवि यहाँ पर सूर्य रूपी दीप के बारे बता रहे थे, अब उन्होंने कहा है कि एक दीप ऐसा और जलता है जो भारत माँ के आंगन में, जो हमारे पूरे देश में जलता है, भारत माता के आंगन में जलता है, यानी पूरे समाज में जलता है, जिसके आगे नतमस्तक है, जो ढलता सूरज है उसके आगे वो भी शीश झुकाता है, यानी वो भी नतमस्तक होता है। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। कौन सा दीपक है? सूर्य के अलावा वह कौन सा दीपक है? वह है शिक्षा का एक दीप, यानी शिक्षा रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, जो दिन और रात जलता है। सूर्य तो शाम को ढल जाता है, पश्चिम में, पश्चिम की तरफ जाके ढल जाता है, अस्त हो जाता है, लेकिन जो यह है दीप है, शिक्षा रूपी दीप है, यह कभी नहीं ढलता और दिन रात जलता ही रहता है, यानी हमें ज्ञान देता ही रहता है, हमारे पूरे समाज को ज्ञान देता है, घट घट में, यानी हमारे, हम सबको, हमारे मन मन में, अंतर मन में प्रकाश करता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो हमारी पूरी कविता है, दो दीप से मतलब है, एक तो सूरज और दूसरा हमारा ज्ञान रूपी दीपक। तो जिस प्रकार सूरज की रोशनी समाज को रोशन करती है, उसी प्रकार शिक्षा रूपी दीपक हमारे जीवन को सही दिशा देता है, और इसलिए कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को दीप कहा है। तो बच्चों आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी, आप इसे याद कर लेना।